तो हम लोग बैक हैं हॉलो नाइट, क्या बोल रहा हूँ, शवल नाइट के साथ। और बिल्कुल नाम दोनों तो दोनों के सेम है नहीं, तो शवल नाइट एक और था इंडी गेम जो हम देख रहे थे। और फिर इसमें एक हमने ये वाला लेवल ट्राई कर रहे थे, प्रेडोमोन कासल जो भी इसका नाम है। और फिर इसमें है किंग नाइट। तो फिर इस वीडियो में हम देखेंगे कि किंग नाइट को कैसे हराते हैं, किंग नाइट से कैसे लड़ेंगे, इसके क्या क्या है मूव्स, उसे काउंटर अटैक कैसे क्या करेंगे। तो फिर आओ चलो पढ़ते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। तो फिर यह है किंग नाइट, एन इंटरलोपर इज नॉट मिस्ड बी गॉन फ्रॉम आवर थ्रोन रूम नेम। ठीक है, आई एम नो मोर इंट्रूडर देन यू, यू आर एंट इवन अ रियल किंग। हाँ, क्योंकि हमें वो विलेज में याद है, वो नीचे लैडर के नीचे किंग मिला था, डी थ्रोन किंग, और उसने हमें बताया था कि ये किंग नाइट नाम का जो ये बंदा है वो उसके थ्रोन पे जाके बैठ गया है। तो फिर ओ यू मिस्टेक इन द इन्चेंटर्स सो मी फॉर माई फैबुलस रियल सेल्फ एंड नाउ ऑल बाउ बिफोर मी। ठीक है, तो मतलब इन्चेंटर्स ने उसको रखा है, ऑफकोर्स क्यों नहीं रखा होगा, यू आर नॉट बट अ डेकेडेंट डैंडी, प्रिपेयर टू टेस्ट जस्टिस, शवल जस्टिस, साइलेंस। तो फिर बढ़ गया, ये हुई है चाली यहाँ पे। तो मुझे लगता है अपन मरने वाले हैं, बहुत बढ़िया है तरीके से। डेकोरेंट डैंडी, अच्छा अरे वहाँ पे छोटे भाई ने भाई मैंने भी करेंगे कर, 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 कर। तो उसकी बस 2 लाइफ बची है और फिर हमारी बची है करीब, हम जाने वाले हैं कुछ बचाएंगे। अरे वाह खत्म हो गया यार, ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, पर मेरी भी सिर्फ एक ही बची है लाइफ। तो मुझे लगता है ये तो तुक्के से हो गया यार, ये तो या तो बहुत ही आसान था। कभी कभी मैं देखता हूँ कि मेरा गेम प्ले स्टाइल ये है कि मैं बस मारता हूँ और मैं ये नहीं देखता कि मेरी लाइफ कितनी बची है। तो उस चक्कर में अभी अभी भी हम देखा कि मैं सही से नहीं खेल रहा था, जो मैंने तरीका अपनाया वो सही था नहीं। मैंने कोई अटैक उसका कोई डॉज नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस इतना किया कि मेरे को जो जो ओपनिंग दिख रही थी मैं वहाँ पर उसको मारता गया और फिर वो मर गया उतने में, क्योंकि उसका डिफेंस बहुत था कम। अगर उसका अटैक अच्छा होता तो फिर मैं नहीं बचता। खैर मैं यहाँ शायद इसलिए भी बच गया क्योंकि मैंने मेरी एक लाइफ बढ़वाई थी बल्ले 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 थी। और फिर यही है अब कि यहाँ पे आने का। तो फिर हमने 2 मिनट 45 सेकंड्स तक के वीडियो में ही हमने किंग नाइट को हरा लिया है और फिर हमारे पास बहुत सारे पैसे भी हैं। तो फिर पहले मेरे तो हिसाब से ये एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी, एक बहुत अच्छा गेम प्लान ये है कि कभी भी फाइट्स में जाने के पहले अपने सारे पैसे वैसे खाली कर लो, ताकि अगर कोई भी अगर लॉस हो, अगर कोई भी पैसे वैसे अगर गए तो फिर तुम्हारी पूरी तुम एकदम खंटाल ना हो जाओ पूरे। इसलिए पहले थोड़ा सा खर्चा करना ज़रूरी है और फिर कभी ना कभी तो खरीदना है, तो अभी क्यों नहीं खरीदो। अरे श्योर ऑफ कोर्स यस। तो फिर ट्रोपल 40 द वेसल फॉर स्टोरी मिथिकल एक और बट वे टू फाइंड इट। ठीक है भाई, कुछ मिला होगा। और ये बार फिर चाहता है फिशिंग रॉड कास्टिंग टू पेट एंड वेट टू गेट टू वेट फॉर सम बाइट योर स्पेयर इन ऑर्डर बाउंडलेस कॉम्बैट पोटेंशियल। पैसे नहीं है तो थोड़े से इससे बस 13 और कॉइन अगर होते तो फिर हम वो खरीद लेते। मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे करने चाहिए सर। अरे भाई एक और मिल गया, बढ़िया। मैं सच बता रहा हूँ मुझे वो नहीं पता था कि वो वहाँ है, वो बस मुझे तुक्के से मिल गया। और ना तुम लोग ये समझो कि यार ये तो पूरा गेम प्ले का जो से देख जाता है, और मैं गेम प्ले देखता हूँ, ज़रूर देखता हूँ, मगर इतना नहीं कि मतलब कोई बहुत वो बन जाओ कि मुझे सब कुछ पता हो जाए। मैं सिर्फ उतना देखता हूँ जितना ज़रूरी हो, जितना मुझे मतलब गेम खेलने में आसान हो जाए। तो वो बाढ़ कहाँ था, वो बाढ़ के पीछे ही खेलना था क्या, क्योंकि अच्छा तो मतलब जब भी हमारे पास कोई नया म्यूजिकल आएगा तो फिर वो डांस करना होगा। तो ले ले भाई, ठीक है। फिर हमें यहाँ से जो 500 रुपये मिले हैं, 500 रुपये जो 500 जो कॉइन 500 गोल्ड मिला है, हम ये गोल्ड लेंगे। और फिर एक मिनट एक देख देख लेते एक बार ये कितने का है, मिल टिकट कितने का, 6,000 का है, 6,000 तो नहीं है। तो फिर हम वही खरीद लेते हैं नीचे वाले से सामान। हम 40 से 3,000 का रहते हैं,
तो ये 2500 का है तो बिल्कुल लेंगे हम। W प्लस J के उस पर एनॉग और बॉन्डलेस को बैट प्लस में गुड ब्लू भाई यू बिलीव द मर्चेंडाइज। अरे क्या अनलिमिटेड है क्या ये? अच्छा, नहीं मतलब समझे वो ये शायद 6-6 का कर रहा है यूज़, हर बार 6 वो यूज़ करके ये एक ही देगा। पर इसे पर हमने जो एक और जो खरीदा था उसे कैसे करते थे इनमें चूज करेंगे? एक मिनट मैं एक बार वो देख लूँ सेटिंग्स में, ऑप्शंस में कंट्रोल्स कीबोर्ड रिलिक प्रीवियस। अच्छा जे और यू से, ठीक यू और आई से, आई एम सॉरी यू और आई से, ठीक है। तो तुम ऊपर आप देख रहे होंगे कि अब हम बदल सकते हैं वो रेड और इसमें, और फिर वही है तो फिर हम अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और फिर अब हम जाएंगे जोर की तरफ। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो हमारा जो पहला वाला था और फिर ये जो बीच वाला है, यहाँ पे एक कुछ है बीच में, तो हम जाके लगते हैं इसे। अच्छा ये तो सिंपल ऐसी स्टेज है, हाँ ये सर। तो फिर ये इसमें शायद ऐसा है कि ऐसे रैंडम वो आती रहती है स्टेज। अरे बात है वो नीचे कैसा है, मैंने एक्सप्रेस नहीं किया था, ठीक है मगर ऑल इज वेल। अच्छा ये भी गया सेकंड वाला वाला भी। अरे नहीं, अरे यार मेरा डायमंड मैं ले नहीं पाया। अगर पैसे गिर जाते हैं तो बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि अगर मेहनत की इतनी मारने में तो। अरे बस इतना ही, हल्की सी इतनी सी थी लेवल और ठीक है बढ़िया है, इतना ही हुआ। तो फिर तो आज के वीडियो के लिए फिर मतलब हमने देखा कि इसको कैसे हराते हैं किंग नाइट को, और फिर हमने किंग नाइट वाली लेवल पूरी कम्प्लीट की हमने, और एक दो चीज़ें और खरीदी, और जैसे कि वो जो इन्फिनिट पोटेंशियल था और वो खरीदा हमने, और फिर हमने एक मिनी लेवल के लिए जो रैंडमली शायद स्पॉन हुई थी। तो फिर हम इसके आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम जाएंगे द लिच यार्ड में, जो है लेयर और स्पेक्टर नाइट, और स्पेक्टर नाइट की भी लेयर अच्छी है, मतलब उसमें भी बहुत सारा धूमधड़ाता है उसका अपना खर्चा, और फिर हम देखेंगे कि वो कैसा है और फिर किस टाइप का है। तो फिर अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक करना, अगर तुम सब्सक्राइब करना चाहो तो वैसा भी कर सकते हो, और फिर तब तक के लिए गुड बाय और सेफ रहो।